अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काराथोन। तो मैं उम्मीद करता हूँ मुझे देखने वाले तमाम ही लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में रिव्यू लेकर आया हूँ टोयोटा वेलफायर का। टोयोटा वेलफायर जो है वो टोयोटा कंपनी की तरफ से बनाई जाने वाली लग्जीरियस MPV में है। और वेलफायर और एल्फर्ड का जो डिफरेंस वो बस इंजन का है और कुछ फीचर्स का है, बाकी शेप वाइज दोनों गाड़ियां सेम ही हैं। जो टोयोटा एल्फर्ड है उसमें 3.5 लीटर का इंजन आता है और जो टोयोटा वेलफायर है उसमें 2.5 लीटर का इंजन आता है। तो इसका रिव्यू इसकी फ्रंट हेडलाइट से शुरू करता चलूँ तो इसमें हेलोजन हेडलाइट्स दी गई हैं एज वेल एज प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और ये इसकी फ्रंट क्रोम ग्रिल। दिस MPV कम्स विद प्री इंस्टॉल्ड फॉग लाइट्स और उनके ऊपर क्रोम गार्निश भी दी गई है। वेलफायर के फ्रंट बम्पर पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और एक ड्राइवर की सहूलियत के लिए बोनेट के ऊपर एक्स्ट्रा साइड मिरर दिया गया है। ओवरऑल ये है वेलफायर की फ्रंट लुक। वेलफायर कम्स विद योकोहामा टायर एंड विद 18 इंचेस एलॉय रिम्स। इस MPV के डोर हैंडल्स के ऊपर क्रोम गार्निश दी गई है और ये इसके साइड व्यू रिट्रैक्टेबल मिरर्स विद प्री इंस्टॉल्ड इंडिकेटर्स एंड इसके डोर प्रोटेक्टर्स को क्रोम में कवर किया गया है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन रियर टेल लाइट्स और ये इसकी हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स और इन्हीं के ठीक नीचे रियर वाइपर भी दिया गया है। रिफ्लेक्टर्स आर आल्सो गिवन इन रियर बम्पर और इसके रियर बम्पर पे भी पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। अगेन क्रोम गार्निश इज गिवन ऑन ट्रंक ऑफ वेलफायर। टोयोटा वेलफायर के डोर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली खुलते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह टोयोटा वेलफायर की की, जिसमें साइड डोर ओपन करने के लिए बटन्स दिए गए हैं और लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है और इसकी की से साइड डोर ओपन होने का डेमो आप लोग देख सकते हैं। वेलफायर कम्स विद 2500 cc इंजन जो कि 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 234 टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। टोयोटा वेलफायर की फ्रंट पे दोनों सीट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली पावर कंट्रोल्ड हैं और इसकी फ्रंट पैसेंजर सीट पे रिक्लाइनर दिया गया और बाकी बैक सारी सीट्स पे रिक्लाइनर आता है और इसमें फैब्रिक सोफ़ा सीट्स दी गई हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हैं। ये है इसका फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील जिसके ऊपर मल्टीमीडिया की ऑप्शंस दी गई हैं और इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है। ये इसकी ड्राइवर साइड पे ऑटो ट्रिप मीटर, पुश स्टार्ट बटन, पार्किंग सेंसर्स, रूम लाइट्स, रेन सेंसर वगैरह के सारे बटन दिए गए हैं और इसी के साथ साथ इधर एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया गया है। यह है इसका डुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद अ मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इन सेंटर। इसमें 8 इंचेस की LCD दी गई है विद ब्लूटूथ एंड नेविगेशन विद 8 स्पीकर्स और यह है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इसकी और इसकी डैशबोर्ड पे वुडन ट्रिम दी गई है जो कि इसकी डैशबोर्ड को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे। ये हैं इसके इको मोड और EV मोड के बटन्स जो कि सेंट्रल कंसोल में दिए गए हैं। ये इसके सेंट्रल कंसोल में स्पेसिफिक एरिया पे कार्बन फाइबर यूज़ किया गया है। वेलफायर के ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों पे वैनिटी मिरर दिया गया है विद अ रीडिंग लाइट और ये इसकी फ्रंट की रीडिंग लाइट्स और इन्हीं के सेंटर में एक सनग्लासेस होल्डर भी दिया गया है। ये है इसका ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी स्पेशियस है और ये इसका आर्म रेस्ट के अंदर भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है और 12 वॉट का चार्जिंग डॉक दिया गया है, USB पोर्ट दिया गया है। और इसके ड्राइवर डोर पे मेमोरी सीट एडजस्टमेंट के बटन्स दिए गए हैं। ये वेलफायर की रियर सीट्स पे रियर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेटिक कंट्रोल दिया गया है और उसी के साथ एंटरटेनमेंट के लिए 6 इंचेस की LCD भी दी गई है और ये इसके रियर AC वेंट्स जो कि इसकी साइड पे दिए गए हैं। ये है इसकी LED कैबिन लाइट्स जो कि देखने में बहुत ही लग्जरियस लुक देती हैं। इसके डोर पे वुडन ट्रिम दी गई है और इसके डोर हैंडल पे क्रोम गार्निश दी गई है और इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। ये इसकी वीडियो के लिए ऑप्शन दी गई है, मतलब कि इस वेलफायर में प्लेस्टेशन भी अगर खेलना चाहे तो खेल सकते हैं क्योंकि एक ये लग्जरी MPV है तो इसका लेग रूम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। ये इसकी सेकेंड रो की दोनों सीट्स के लिए आर्म रेस्ट दिए गए हैं।
ये वेलफायर की थर्ड रो की सीट्स हैं और ये थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए एक स्पीकर दिया गया है, दो कप होल्डर्स दिए गए हैं और साइड पे एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। वेलफायर की थर्ड रो का लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम इसकी जो थर्ड रो की सीट्स हैं उनको बूट में ले जाएं, जिस तरह कि आप लोग देख सकते हैं, एक सीट मैंने बूट में की हुई है तो फिर बूट स्पेस ख़त्म हो जाती। ये वेलफायर का एक छोटा सा ओवरव्यू, जो चीज़ें मैं आप लोगों के इंटीरियर में ना बता सका तो आप इस ओवरव्यू में देख लें। तो ये था रिव्यू वेलफायर का। तो अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी गई बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। दिस रिव्यू वॉज मेड पॉसिबल बाय शालीमार मोटर्स। तो अगर आप लोगों को वेलफायर की डिटेल और प्राइस चाहिए तो आप लोग शालीमार मोटर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शालीमार मोटर्स की तमाम डिटेल आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।